माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को हमें समझना होगा, सैकड़ों वर्षों का गुलामी कालखंड, उसकी जो मानसिकता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए हैं। ये गुलामी की मानसिकता किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत बड़ा संकट होती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज देश का मैं चित्र देखता हूं, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग है, आज भी वो गुलामी की मानसिकता में जीता है, आज भी 19वीं सदी के काम, उस सोच, उसी में जकड़ा हुआ है, और 20वीं सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन, 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बदलाव को हमने अस्वीकार किया उसका परिणाम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर इतने मनोमंथन के बाद, कई वर्षों तक उसके बाद योजना बनी, 2006 में प्लानिंग, 2006 से 2014 तक का उसका हाल देखिए, 2014 के बाद उसकी तेजी आई। यूपी में सरयू नहर परियोजना 70 के दशक में शुरू हुई, 70 दशक में, और उसकी लागत 100 गुना बढ़ गई। हमारे आने के बाद हमने उस काम को पूरा किया। ये कैसी सोच है, क्या तरीके हैं? यूपी का अर्जुन डैम परियोजना 2009 में शुरू हुई, 2017 तक एक तिहाई खर्चा हुआ, हमने इतने कम समय में उसको पूर्ण कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतनी सत्ता थी, इतने सालों तक सत्ता थी, तो चार धाम को वो ऑल वेदर सड़कों में परिवर्तित कर सकते थे, जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं किया। वाटरवे, सारी दुनिया वाटरवे का समर्थन है, हमारा ही देश था कि हमने वाटरवे को नकार दिया, आज हमारी सरकार को वाटरवे पे काम करना रहा है। पुराने अप्रोच से गोरखपुर के कारखाना बंद होता था, हमारे अप्रोच से गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू होता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुए हैं, उसके कारण उनके लिए फाइल की मूवमेंट, फाइल में सिग्नेचर करके कौन अगला मुलाकात आएगा उसी के इंतजार में जो रहते हैं। आपके लिए फाइल सब कुछ है, हमारे लिए 130 करोड़ देशवासियों का लाइफ महत्वपूर्ण है। आप फाइल में खोए रहे, हम लाइफ बदलने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग। आज उसी का परिणाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, एक होलिस्टिक अप्रोच, टुकड़ों में नहीं। एक आधा काम वहां रहा है, रोड बन रहा है, फिर बिजली वाला आकर के खुदाई करता है, वो ठीक होता है, फिर पानी वाला आकर के खुदाई करता है। उस सारी समस्याओं से बाहर आकर के हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गति शक्ति मास्टर प्लान की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा देश की विशेषता को देखते हुए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस पर हम बड़ा जोर दे रहे हैं, और कनेक्टिविटी पर, इसके आधार पर हम जोर दे रहे हैं। आजादी के बाद सबसे तेज गति से ग्रामीण सड़कें कहीं बन रही है तो इस 5 साल के कालखंड में बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है, आज देश नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर ड्रोम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार इन्हीं कामों से मिलता है।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश की आवश्यकता है और अभूतपूर्व निवेश भी हो रहा है और उसी से रोजगार भी बढ़ना है, विकास भी बढ़ना है और विकास की गति भी बढ़ना है और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है।